दोस्तों थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। दोस्तों अगर आप भी एक बाइक राइडर हैं या फिर कार राइडर हैं तो दोस्तों आपने कई बारी चालान का सामना किया होगा, कई बार आपका चालान भी कटा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे लीगल तरीका बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपने चालान से बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा। और आप जो है एक सेटिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको आप इनेबल करके अपने चालान से बच सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी बाइक ड्राइव करते होंगे या फिर कार ड्राइव करते होंगे तो आपने दोस्तों कई बार नोटिस किया होगा कि जगह जगह पे साइन बोर्ड लगे हुए आपने देखे होंगे। उन साइन बोर्डों का दोस्तों अगर आप पालन नहीं करते हैं, अगर रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है। तो वैसे तो दोस्तों आपको इन सभी रूल्स को फॉलो करना है, जो भी RTO की तरफ से गाइडलाइन दी हुई है उनको सबको आपको फॉलो करके चलना है तो दोस्तों आपका चालान नहीं कटेगा। बट इसके अलावा एक सेटिंग्स ऐसी होती है गूगल मैप में जिसको दोस्तों आप अगर इनेबल कर देते हैं तो वह आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताता रहेगा कि आपका चालान, मतलब जो है कि आप जो है अगर ऐसे कोई सघन क्षेत्र से गुजरते हैं। आपने दोस्तों कई बार नोटिस किया होगा कि स्पीडोमीटर का साइन मीटर भी लगा होता है, यानी कि कहीं सघन क्षेत्र से अगर आप बाइक को ड्राइव करके ले जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपको स्पीड का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। यानी कि अगर आप वहाँ से जैसे कि कहीं कहीं आपने देखा होगा कि 20 किलोमीटर पर आवर, अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर की जगह अगर 30 किलोमीटर पर आवर से लेके जाएंगे तो आपका चालान लाजमी है कटना। तो दोस्तों ये जो सेटिंग्स है ये कर लेने के बाद ये आपको ये बताएगी कि आपको आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड इस जगह पे ज़्यादा है आप या फिर कम है। तो इस सेटिंग्स की वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन की मदद से आप अपने चालान को बचा सकते हैं। अब वैसे तो दोस्तों अब हर एक शहर में कैमरे की व्यवस्था हो गई है, हर एक शहर में हर एक चौराहे पर कैमरे लगा दिए गए हैं जिससे आपका ऑनलाइन चालान काट दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है और आपका ऑनलाइन चालान कट जाता है। तो दोस्तों इस सेटिंग्स को इनेबल कर लेने के बाद आपको ये नोटिफिकेशन के थ्रू ये इंडिकेट करता रहेगा कि आप ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हैं या ऐसे क्षेत्र से गुजरने वाले हैं जहां आपको स्पीड का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और जान ही लेते हैं कि कौन सी वह सेटिंग्स है और कौन सा वह लीगल तरीका है जिससे हम अपनी चालान को बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल मैप ओपन कर लेना है। गूगल मैप ओपन करने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में टॉप कॉर्नर में अपना प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो आपको एरो टाइप का दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पॉपअप की फॉर्म में इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। इसमें दोस्तों आप सबसे नीचे की साइड में देखिए तो यहाँ आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सेटिंग्स पे ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ सबसे टॉप में दोस्तों आपको एक ऐप लैंग्वेज करके दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से दोस्तों आप अपने ऐप की लैंग्वेज को मैनेज कर सकते हैं, आप जिस भाषा में चाहें उस लैंग्वेज में अपना ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों आप नीचे की साइड स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक नेविगेशन सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस नेविगेशन सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ये सारे ऑप्शंस दोस्तों आपको रूट से संबंधित होंगे और आपके ड्राइविंग से संबंधित होंगे। दोस्तों ड्राइविंग ऑप्शंस में आपको आ जाना है। ड्राइविंग ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ आपको एक स्पीडोमीटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये स्पीडोमीटर जैसे ही आप इनेबल कर देते हैं इस तरीके से दोस्तों आप इसको इनेबल कर दीजिए। आप इसको जब इनेबल कर देंगे तो दोस्तों जब भी आप ऐसे किसी क्षेत्र से गुजरते हैं जहां स्पीडोमीटर का बोर्ड लगा है या स्पीडोमीटर की सुविधा की हुई है तो दोस्तों ये आपको इंडिकेट कर देगा, एक नोटिफिकेशन भेजेगा आपके मोबाइल पर और ये इंडिकेट करेगा आपको कि आप ऐसे क्षेत्र से गुजरने वाले हैं या आगे स्पीडोमीटर वाला क्षेत्र है तो दोस्तों आपको वहाँ से अपनी स्पीड को मैनेज कर लेना है। और दोस्तों ये जो ड्राइविंग नोटिफिकेशन है इसको भी आप इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल आप कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों
जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप जब भी इस तरीके के क्षेत्र से गुजरेंगे तो ये आपको पहले से ही इंडिकेट करेगा, बताएगा कि आप ऐसे क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। तो दोस्तों वहाँ से आप अपनी स्पीड को मैनेज करके आप अपने चालान से बच सकते हैं। दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रूट ऑप्शंस करके, यहाँ पे दोस्तों जो रूट ऑप्शंस है इसमें आप ये लिखा है पहले अवॉइड मोटरवेज, अवॉइड मोटरवेज यानी कि आप राजमार्गों से बच सकते हैं। इसको आप इनेबल कर देंगे तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, ये आपको बता देगा कि आप राजमार्ग पर पहुंचने वाले हैं। अगर आप राजमार्ग पर यानी कि फोर लेन या हाईवे पर अगर आप नहीं जाना चाहते, हाईवे से बचना चाहते हैं, तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आगे हाईवे है तो आप उससे बच सकते हैं। एंड दोस्तों ये नीचे जो इसके नीचे आपको मिलने वाला है अवॉइड टोल रोड्स, यानी कि आप इसको जब इनेबल कर देंगे तो ये आपको इंडिकेट कर देगा, पहले से ये बता देगा कि आगे टोल है। आप टोल से अगर बचना चाहते हैं तो टोल से आप इस सेटिंग्स को कर लेने के बाद बच सकते हैं। एंड दोस्तों इसके फर्दर इसके नीचे आपको एक सेटिंग्स मिलने वाली है अवॉइड फेरीज। अवॉइड फेरीज का मतलब है कि आप काफ़ी मतलब जैसे आप घूम फिर के जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फेर पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा आपको जो है रूट बहुत ज़्यादा आपको ड्राइव करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पड़ जाते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, नए टॉपिक के साथ लेकर के आऊँगा आपके लिए फिर से एक अच्छा सा टॉपिक। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।